गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ऐसा भिन्नों को प्रतिशत में बदलें। भाई याद रखें प्रतिशत, तो प्रतिशत का जो साइन होता है साइन कुछ इस प्रकार का होता है। प्रतिशत क्या होता है इसे भी हम कह देते हैं। यानी जैसे कोई संख्या लिखी है 10%, तो 10% का मतलब है 100 का दशमांक, ये 100 में 10 रुपये से आपके पास 10% रुपये है। हमारे पास 10% है, तो अगर हमारे पास 100 है तो आपके पास 10 है। तो आइए सवालों के माध्यम से समझते हैं क्या लिखा है। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। प्रतिशत में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, मैंने बताया प्रतिशत का साइन क्या होता है, इसका मतलब होता है ये बटे ये भी होता है। ठीक, ये बात क्लियर करना है। हम क्या करते हैं प्रतिशत को बदलने के लिए लिखा है 13 हम कर देते हैं 100 से। क्लियर, 13 × 100 = 1/100 बच गया। 1/100 को क्या लगाते हैं प्रतिशत का, ये हो गया 13 × 100। तो इसको हम 60 ओम में कहां से लिखते हैं, क्या कहते हैं डी लाइन। अब इसको यहां सरल करेंगे, 20 से कम 20 बचे 100, नीचे क्या बचा 1, 13 बचे 63। आगे प्रतिशत में बदलेंगे, यानी 13/20 क्या परसेंट है 65% या 65%। अब देखिए हम हर सवाल में 100/100 को किस तरह लिखते हैं, हम क्या करते हैं सवाल को हल करने के लिए 1/8 करते हैं, तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 100%। इसका मतलब एक होता है, 100% मतलब एक पूरा होता है। 1/8 को हम 100% से गुणा करें, यानी 1 से गुणा करें तो उसमें कोई अंतर नहीं है। संख्या में 100 से गुणा करती थी और संख्या क्या हो जाएगी प्रतिशत में हो जाएगी, कोई भी भिन्न इसको 100/8 काट सकते हैं 4 × 8 = 25/2 प्रतिशत। अगर और सरल करें तो 12 × 1/2 प्रतिशत। इस तरह इसको बदल देंगे और इसको भी बदलने का प्रयास करेंगे। ऐसे ये पहला और दूसरा बताया गया, वैसे हम दोनों को हल करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे 100% से गुणा करेंगे 100 × 100%। दूसरा क्वेश्चन लिखा है दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। आप दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते, तो भिन्न दशमलव भिन्नों को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 0.05 को क्या कर सकते हैं, दशमलव हटा करके हम क्या करेंगे दशमलव के बाद 2 में से 2 0 यानी 5/100 कर सकते हैं। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से बोला 100 से 100 काट दिया, क्या हो गया 5%। डायरेक्ट यहां भी उड़ा कर सकते हैं, ऐसे 0.6 × 100 सौ से गुणा करेंगे तो 63, 2 अंकों का दशमलव लगा दिया और 63% यानी 63% आंसर। इसी प्रकार इसको और इसको भी बदलने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 100% से गुणा कर दीजिए, या पहले इसको साधारण भिन्न में करिए 30% कर दीजिए तो फिर ये प्रक्रिया आ जाएगी। इसके बाद नहीं आप डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए और बाद में परसेंट का साइन लगा दीजिए, आपको दी गई दशमलव भिन्नों को या फिर साधारण भिन्नों को प्रतिशत में बदल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए हुए प्रतिशतों को दशमलव भिन्नों में बदलिए, साथ ही साधारण भिन्नों को सरलतम रूप में लिखिए। आपके लिए 4 सवालों में क्वेश्चन नंबर 3
सतहों को संभव नहीं होगी बदलेंगे और साधारण घटना को सर्वोत्तम रूप में दूसरा है 75%, तीसरा है 6%, चौथा है 1%। देखिए इन सवालों का हल कैसे करना है, हमें क्या करना है, दशमलव घटना में बदलना है और क्या इसमें दिया है, प्रतिशत में दिया है। प्रतिशत का मैंने मतलब बताया क्या होता है, 80% का मतलब 80/100। प्रतिशत का अगर साइन हटाएंगे तो अपान में 100 आएगा, मैंने बताया था प्रतिशत का बराबर 1/100। क्लियर? अब 100 से 80 में भाग दीजिए कितना है, 0.8। दो जीरो है, किसी संख्या के ऊपर अगर किसी भी संख्या में 100 से भाग करेंगे उसमें दो अंकों के बाद सम लगा देंगे, उसमें दो अंक है 1, 2, कितना है 0.08। कह रहा है कि इसको साधारण घन में बदल दीजिए, 0.08/10 8/10 को सरल कीजिए, 2×4 8, 2×5 10, 4/8। तो पहले तो ये हो गया आंसर दशमलव भिन्न में, दूसरा हो गया सरलतम भिन्न में, साधारण भिन्नों में साधारण भिन्नों को सरलता रूप में लिखे, तो भिन्न का सरलता रूप ये हो गया और दशमलव भिन्न ये हो गया। इसे लिखा 75%, 75% का मतलब हो गया 100। ये हो गई क्या साधारण भिन्न, इसका दशमलव रूप क्या होगा 0.75, और इसको अगर हम सरलतम रूप में लिखना चाहें 25 से काट दीजिए, 25 से 75, 25 से 4। तो इस प्रकार ये आपसे आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये भी आंसर होगा, बाकी के दो सवाल करेंगे। तो आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।